हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एजुकेशन में। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन जीडीएस पोस्ट भर्ती 2020 के बारे में, जो कि ग्रामीण डाक सेवक में भर्ती निकाली गई थी। यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी आया था। यहाँ पे तो यहाँ पे जो उत्तराखंड से फॉर्म फिलअप किए थे लोग, यहाँ पे उन लोगों का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया, जो कि यहाँ पे 724 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पे उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। और भी जो रिजल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम, इन सभी का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला था। जो लोग इससे डिवीजन से फॉर्म फिलअप किए उनका भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला था। चलिए हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है, और यहाँ पे आप आगे का प्रोसेस क्या है, और कौन कौन से लोग अभी अभी वेटिंग में हैं। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड, जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डिवीजन हेड ऑफिस वगैरह का सब कुछ नाम दिया गया है, पोस्ट नेम दिया गया है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे नाम के साथ साथ आपका यहाँ पे परसेंटेज भी दिया गया था। इसके पहले हम कट ऑफ का एक वीडियो बनाए थे इसके ऊपर भी, तो वहाँ पर हमको बताया कि कट ऑफ कितना जाएगा। सेम कट ऑफ आपका यहाँ पे वही है। देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनका यहाँ पे यूआर के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे और 95% गया है, यहाँ पे भी 95% गया है। तो लगभग हम आपको यही कट ऑफ बताए थे, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, 95 सबका यहाँ पे कट ऑफ गया है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिन लोगों का यहाँ पे नाम सेलेक्टेड हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पे आप लोगों का डीबी करा के यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबका यहाँ पे लगभग 95 प्लस ही कट ऑफ गया है, जिसमें 90% था उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से आप लोग नीचे आके अपना नाम चेक कर लीजिए, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, और जो आप कुछ लोग वेटिंग में भी है, और यहाँ पे यहाँ का जो डिवीजन है यहाँ पर थोड़ा वेटिंग में रखा गया है। और यहाँ पे अपडेट्स देख सकते हैं, 15/8/2020 को यहाँ पर जारी किया गया। जो लोग भी सिलेक्टेड हुए होंगे उनको मेल मैसेज के द्वारा भी डीबी के लिए बता दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर डीबी कराइए और यहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग ले लीजिए। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर आके अपना चेक कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें जितना सीट होता है उतना ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई 1 गुना 2 गुना यहाँ पे वैकेंसी नहीं ली जाती है। जितना इसमें सीट होता है कितना उतना ही कैंडिडेट को यहाँ पे मात्र यहाँ पे सिलेक्टेड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका डाउनलोड लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर लीजिए।